पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 23वीं पुण्यतिथि पर प्रदेश भाजपा कार्यालय दीनदयाल परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व की तरह इस बार भी भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष शहावर आलम ने किया था, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी सहित बड़ी संख्या में नेताओं कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए सराहना की। आज मध्य प्रदेश के दैदीप्यमान नक्षत्र स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम उन्हें विनम्र पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और जब भी उनका नाम हमारे जहन में आता है कई पुरानी स्मृतियां ताज़ा हो जाती हैं। जिस सहजता से कर्मठता से उन्होंने मध्य प्रदेश का और देश का विकास किया वह अविस्मरणीय रहेगा और अपने पूज्य पिताजी के रास्ते पर ही उनके सुयोग्य पुत्र श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया चल रहे हैं। प्रदेश का और देश का विकास उनके मंत्री रहते हो रहा है। सिंधिया जी का परिवार एक ऐसा परिवार रहा है जिसका ग्वालियर चंबल के विकास में, प्रदेश की तरक्की में और देश के उत्थान में महत्वपूर्ण स्थान रहा है।